हरियाणा के फरीदाबाद में नशे में धुत कार ड्राइवर की गुंडागर्दी देखने को मिली। कागजात मांगने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को घसीटा, वीडियो वायरल। असम के कचार में ड्रग तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कचार पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बरामद। अहमदाबाद में ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। बच्चों के खिलौनों में छिपाकर अमेरिका से भेजे गए ड्रग्स को जब्त कर लिया गया। करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है ड्रग की कीमत। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू महोत्सव पर विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया। शशिकांत दास महाराज ने धार्मिक अनुष्ठानों में लिया हिस्सा। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में तैयारियां तेज। तीर्थ यात्रियों के लिए किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। 29 जून से शुरू होगी यात्रा। मध्यप्रदेश के उज्जैन पहुंची बीजेपी नेता माधवी लता। महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर एलजी ने सेना और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। 72 घंटे में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनाती और अमरनाथ यात्रा की ड्रोन से निगरानी के निर्देश। कठुआ में रामबन तक बढ़ाई गई सुरक्षा। मध्य प्रदेश के नीमच में 1.5 घंटे की बारिश ने जनजीवन को किया अस्त व्यस्त। पानी के तेज बहाव में घर के बाहर रखी कार और बाइक भी बह गई। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मेट्रो परियोजना की समीक्षा बैठक की। और आपको जानकारी दे दें, भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजना का अधिकारियों ने फीडबैक भी लिया। हिमाचल के शिमला में समर हिल में प्लेट गर्डर ब्रिज में आई दरार। कालका शिमला रूट पर ट्रेनों का परिचालन किया गया स्थगित। बिहार की राजधानी पटना में आम महोत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम महोत्सव का उद्घाटन किया। इजरायली सेना ने एक आतंकी को बनाया अपना निशाना। आसमान रुतमा बताई जा रही है पहचान। लेबनान में हमास और इस्लामिक समूह को हथियार मुहैया कराने का काम करता था आतंकी। इसराइल की तेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प, जमकर मचा बवाल। उधर यूक्रेन के कार्की में रूस ने किया हवाई हमला। सीसीटीवी में हमले की घटना हुई कैद। रूसी हमले में 3 की मौत, करीब 19 लोग हुए जख्मी। और इसराइल की राजधानी तेल अवीव में लोगों ने प्रदर्शन किया। गाजा में बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर जताया विरोध। और आइए बढ़ते आगे। अमेरिका ने गाजा पट्टी पर किया जोरदार हमला। हमले की गूंज दूर दूर तक दी सुनाई। इसराइल के तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प। इसराइली सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी। इसराइल ने लेबनान के बेका घाटी पर किया मिसाइली अटैक। इस्लामिक समूह के सैन्य विंग के एक सदस्य की मौत हो गई। इसराइली सेना ने जारी किया हमले का वीडियो। गाजा पट्टी में हमास के कई सैन्य ठिकाने तबाह। इजरायली सेना तबाही का वीडियो जारी कर चुकी है। दक्षिणी गाजा में तंबुओं में रह रहे फिलिस्तीनियों की हालत हुई दयनीय। टेंट में रहने वाले फिलिस्तीनी को नहीं मिल रही है बुनियादी सुविधाएं। और आगे बढ़ते हुए बात अमेरिका के आयोवा में भारी बारिश की, जिसके बाद भीषण बाढ़ आ गई है। आयोवा के गवर्नर ने रॉक वैली खाली करने की अपील की है। हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है।